क्रिस्पी बने हुए, आपको आवाज़ सुनाती है, देखें ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाया, इसमें कोई भी खर्चा नहीं होता है। आप भी मेरे तरीके से बनाए जिस तरीके से मैंने बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे शाम की चाय के साथ या अचानक घर में मेहमान आ जाए आप उनको बना के दें, और ये अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें, उनको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अपनी ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चार आलू लिए हैं, जिसको मैंने बहुत बारीक कद्दूकश कर लिए। इसको हम हाथों से निचोड़ेंगे और इसका जितना भी स्टार्च है वो सारा हम निकाल लेंगे। हमने अच्छे तरीके से हाथों से इसको निचोड़ना है ताकि इसके अंदर जितना भी स्टार्च है आसानी से निकल जाए। इसे मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ा है। अब इसे मैंने ठंडे पानी में भिगोया था, अब हम पानी गिरा देंगे इसका। तो इसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से निचोड़ लिया और इसके अंदर से सारा पानी मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज डाल दूंगी। दो चम्मच धनिया और दो बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें मैं इसे मिक्स कर लूंगी। अब इसमें जाएगा एक चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने मिक्स कर लिए। अब इसके अंदर जाएगा दो चम्मच मैदा, ये बड़े वाला चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और दो चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी। अब हाथ से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको लगे आपका मिक्सचर जो है वो पतला है अभी, आप इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा और डाल सकते हैं एक एक चम्मच। तो ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के रख देंगे और हम तब तक ऑयल गर्म कर लेते हैं। तो घी को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो चम्मच या हाथों की मदद से जिसके जो से भी आपने शेप देनी है आप वो दे सकते हैं। मैं भी ये हाथों से कर रही हूँ। इसे हमने हल्की आग पे फ्राई करना है और इसे हम दो बार फ्राई करेंगे। वक्फे वक्फे से इसे हिलाते जाएंगे और इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। ये हाफ कुक हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं।
और इसी तरीके से हम बाकी भी फ्राई कर लेते हैं। ये दूसरे वाले भी हाफ कुक हो गए हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब हमने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा फिर हम उसके अंदर ये सारे डाल देंगे स्नैक्स, और अब हम इसे तेज़ आग पे पकाएंगे। तो ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो गया, अब हम सारे स्नैक्स इसमें डाल देंगे। एक से दो मिनट में इसके ऊपर बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा, फिर ये कुक हो जाएंगे। तो देखें इसके ऊपर कितना प्यारा कलर आ रहा है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे बहुत ही मजे के क्रिस्पी और क्रंची टी टाइम स्नैक्स बनके तैयार हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।